एक बात तो दिख रहा है कि साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? दरअसल बीजेपी के दो नेता, उन्होंने विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से ये हंगामा बरपा। उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को एक तगड़ा डैमेज हुआ है। कानपुर में ये बवाल जिस बयान पर हुआ, ये हिंसा, ये पत्थरबाजी जिस बयान पर हुई, वो बयान देने वाली नुपुर शर्मा और उनके बयान पर विवाद और तूल देने वाले नवीन जिंदल पर बीजेपी ने सख्ती दिखाई है। नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया, नवीन जिंदल को बीजेपी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इन दो नेताओं की जुबान ने वो जहर बोया कि बीजेपी बेचैन हो गई। एक सेकुलर देश में सर्वधर्म संभाव वाले संविधान से चलने वाले मुल्क में इन दोनों ने मजहबी टिप्पणी की, ऐसी टिप्पणी जो धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली थी, आहत करने वाली थी, इतनी आपत्तिजनक थी कि बीजेपी को इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने पर मजबूर हो जाना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी का कहना है कि सभी धर्मों का बीजेपी सम्मान करती है और पालन करना चाहिए सभी धर्मों का, इस पर क्या कहेंगे? सर्वधर्म संभाव तो हमारी नीति है। सर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को एक्सपेल कर दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नुपुर शर्मा के बयान पर घमासान तब शुरू हुआ जब टीवी डिबेट में उनकी एक टिप्पणी मर्यादा की हद लांग गई। कानपुर में तो पत्थर चलने लगे, गोलियां चलने लगी, मुस्लिम समाज ने तीखा प्रतिरोध किया, तो नुपुर शर्मा सामने आई और अपनी सफाई भी पेश की। नुपुर शर्मा की ये सफाई काफी नहीं रही, क्योंकि मामला तूल पकड़ता गया, देश का दायरा लांघते हुए इस्लामिक देशों तक पहुंच गया। कतर ने विरोध किया, कुवैत ने विरोध किया, ईरान ने ऐतराज किया, सऊदी अरब ने ऐतराज किया, इन चारों मुल्कों ने बयान जारी किया, भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया और ये पुख्ता संदेश दे दिया कि नाराजगी किस हद तक है। ये सब तब हो रहा था जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू खुद कतर के दौरे पर थे। इन चारों देशों से भारत के मजबूत कूटनीतिक रिश्ते रहे, यानी कि नुपुर शर्मा टीवी डिबेट में जो कह गई वो कूटनीतिक रिश्ते को कचोटने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी को एक्शन के ये दो खत जारी करने पड़ गए। भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। लेकिन नवीन जिंदल अब भी कह रहे हैं, जो कहा सही कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा। ऐसी घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पे मैंने भी एक सवाल पूछी तो लिया उनसे, मैंने क्या किया था, मैंने एक सवाल ही तो पूछा था कि आपने, आप हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसे अपमान से बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि 6 वर्ष की आयु में क्या बच्चे के साथ शादी करना या करना वो किस दिशा में आता है, कहीं बलात्कार की दिशा में माना जाता है, नहीं माना जाता है? जब उन्होंने लिखा मैंने उसी का तो प्रतिकार किया था। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा गहरा है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।